हेलो माय डियर ब्लॉगीज, तो कैसे हैं आप सब? खुश आमदीद मेरे चैनल अंजना के टू ब्लॉग्स में। काफ़ी टाइम बाद दिखाई दे रहे हैं। एक ब्लॉग आज आप लोगों को देखने को मिलेगा, मेरा एडिट कर रही हूँ मैं, तो डालूँगी और ये बाद में देखने को मिलेगा। अभी मैं जिम की तरफ रवाना होने वाली हूँ। देखिए यार, ये दिखा देती हूँ आपको, ये मेरा फुल जिम लुक है। This my complete look. जिम जाके आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ये देखिए जी, तेल जलाया था हमने, सुबह जलाए थे 2 लीटर तेल, कड़ुआ तेल, और अब हम डाल रही हैं, ये डाल रही हैं। देखिए स्माइलती हैं ये, ये देखिए घड़प घुड़ुप घड़प घुड़ुप, अपना तो वैसे ही तेल निकला जा रहा है गर्मी से। आज हम आपको काटना सिखाएंगे, इनको डालने दीजिए, इनका भी ये प्रोग्राम चलेगा। देख रहे हैं पाइनएप्पल, इनको हम आपको काटना बताते हैं, इनको आप कैसे काटिए हैं, इन लोगों को, ये लोग जो है ना, इनको हम देखते हैं कैसे काटते हैं। आ जाओ भाई हमारा बना दो। ये हमारी चाय हैंगी आधा कप। ये टिंडे पड़े थे हमारे पास परसों के, थोड़े ऐसे लगाए थे उबले उबले, मैंने पुराने ज़माने के टिंडे बनाए थे, दोज वर द डेज काइंड ऑफ टिंडे। तो अब इसमें क्या था कि भाई इसमें पानी थोड़ा रह गया था जल्दीबाजी में, तो अब इसको सुखाया जा रहा है थोड़ा इनको। ऐसे भी ये बहुत सारे हैं, देखते हैं कितने खाए जाएंगे ये डिनर में। ये टिंडे इधर हो रहे हैं, ये हमारी गंदगी भी देख लीजिए, ये अभी साफ होगी जब सारा काम निबट नुबट जाएगा। टिंडे उबल रहे हैं, मतलब सूख रहे हैं, बने हुए टिंडे, उबले हुए तो पहले थे। तो हम आ गए हैं वादे के मुताबिक जिम से और पार्लर से। कुछ लग रहा है ग्लो फ्लो, हमारे ग्लो है ऊपर, ये ग्लो तेल का है जो हमने लगाया है, तेल आधा बासी, तेल आधा बासी, सेमी स्टेल या हाफ स्टेल ऑयल, नाम क्या नहीं बताएंगे, ये आधा बासी तेल है। अच्छा हम अब आपको बताएंगे, क्या जी बताएंगे, ये अच्छी तेल है, डरिए मत डरिए मत, ये है मेरे को खुद पकड़ने में डर लगता भाई भाई और बहन भाइयों और बहनों। देखिए हम आपको बताएंगे कैसे पाइनएप्पल काटा जाता है, वैसे हमें खुद नहीं आता है, ट्राई कर रहे हैं, कट गया तो ठीक है आप वैसे काट लीजिए, ना कटे तो आप खुद काट के देखिए, आप हमें भी बताइए कैसे कटते हैं। तो चलिए आइए फिर वो करके कटगा भाई, तो कैसे जुनून होना चाहिए किसी भी काम करने का, हमने लोगों को ऐसे काट के देखा है। तो रात में बहुत बड़ा है, हमने किसी को देखा असल में, किसी की हम तो नकल कर रहे हैं, हमारा तो काम ही नहीं है। ये भी कच्चा दिख रहा है, नहीं कितना हमने कर लिया काम। अब आधा तुम काट दो, अब संध्या विल टेक ओवर, हमारा मन भर गया, हमने दिखा दिया, शो ऑफ कर दिया। ये देखिए हमारी स्मार्ट वॉच आज ही हमारे में प्राप्त हुई है अमेज़न से, बहुत ही बजट फ्रेंडली है। कितनी बजट फ्रेंडली है आप गैस कीजिए। अभी हम सेट करेंगे, खुद सेट करने की कोशिश करेंगे, बाद में किसी की हेल्प नहीं, हम ऐसे डिपेंडेंट नहीं होते किसी पर, नहीं होगी तो होंगे बेशरम बन के। चलिए अब आप आधे पाइनएप्पल का, और देखिए कैसे कटा काटती हैं ये मैडम, लीजिए जी, ये जा रहा है इधर से, इसका दूसरी तरफ से ऐसी की तैसी की जा रही है। हाय कितनी गर्मी है,
हाय हाय करना तो हमारी आदत है। दोस्तों, प्यारे दोस्तों, क्या आप देख पा रहे हैं कि टिंडे अब सूखने के कगार पे हैं और ये तेल छोड़ रहे हैं। देखिए, ये अब ये पानी नहीं है, ये तेल बन चुका है। बन नहीं चुका है, तेल ही था जो निकला नहीं था बेचारा। तो देखो, ये सब कुछ आपको नज़ारा, अभी ये बर्तन साफ होंगे, सब होगा, चिंता ना करें। करिए आप, क्यों चिंता करते हैं, हो जाएगा। देखिए, ये तो लाइफ है, दिस इज़ लाइफ। एक अब ये मोटा छुरा हटा दो, इससे तो मुझे बकरा याद होता है, मेरी घबराहट बढ़ जाती है। थोड़ा सा काट के दिखाइए इन सबको। गोल गोल काटने थे बिटिया, चलो काट दो, इतना तो काट लाओ, ये तो खाव है। इसके बीच का वो निकाल देना, हार्ड, कितना गर्म है भाई साहब, उबल रहा है। ये वैसे ज़्यादा अच्छा है नहीं, बेकार तो नहीं है, बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन ठीक ठीक सा है। ऊँ तो मैंने ऐसे किया कि पता नहीं क्या मुझे मिल गया, जन्नत का नज़ारा हो गया। हो गया होगा ये, बंद कर दो उसको। चीटर कर गया, चीटर, चीटिंग कर गया। हमने वैसे मंगल का शनि वाला प्रसाद खाया, शनि को भी बट रहा था, पता लगा। ओ, इस समय रात के बज रहे हैं दो। मैं लिख रही हूँ, एक स्टोरी राइटिंग कर रही हूँ, एक दो रील के आइडिया है, स्क्रिप्ट के, कंटेंट के, जो भी कहना, क्या बोल रही हूँ, पगड़ी तो जो भी है वो कर रही थी। मुझे ऐसे लग रहा है, खाना खाए हुए, डिनर किए हुए, सदियाँ हो गई, और हो ऐसे वाकई बहुत टाइम हो गया, मैं हो गए 5-6 घंटे। मैं पता है क्या बना के लाया हूँ, भेलपूरी मैंने डाला है, मुरमुरा, क्या कहते हैं आप इसको, पफ्ड राइस जिसको ना समझ में आए, और छोटा सा आलू, टमाटर, प्याज, एक नवरत्न भी डालती हूँ, वो ख़त्म है, थोड़ा सा डालती हूँ जिससे वो कुरमुराहट बढ़ जाती है। और इसमें मैंने डाला है नमक, और काला नमक, सफ़ेद नमक, और चाट मसाला थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा, क्योंकि फिर नमक ज़्यादा हो जाता है, और एक काला मसाला है, चाट मसाला, एक मैंने मंगाया था अमेज़ोन से, बहुत दिन से मैं ढूंढ रही थी भेलपूरी जो मैं बचपन में खाया करती थी, इसमें काला मसाला डलता था। एग्जैक्टली तो वैसा नहीं मिला मुझे दोस्तों, लेकिन फिर भी मैंने कुछ ढूंढ करा, उससे थोड़ा ही लगता है कि अब बाज़ार का थोड़ा गंदा वाला भेलपूरी खा रहा है, थोड़ा मज़ा आता है, लुत्फ आता है खाने में। तो ऐसे वो गंदा मसाला नहीं, बहुत साफ़ सुथरा, और बहुत पुरानी वो ब्रांड है एक, उसका है, पूछेंगे तो बताऊँगी, ऐसे नहीं बताऊँगी। उधर पानी तैयार रखा, थोड़ी देर बाद पीऊँगी, अभी नहीं। और हाँ, फ्रेश ग्रीन सब्ज, बादाम, ग्रीन आलमंड्स, और नहीं मंगाऊँगी, लेकिन इतना ना हो पाएगा हमसे, तोड़ तोड़ के ना इनको खाना नहीं पड़ता, लेकिन अच्छे लगते हैं। आपके यहाँ मिल जाए, उधर मिलते हो तो आप खाइए, फ्रेश बादाम जो गिरी निकलते हैं ना, बड़ी टेस्ट होता है। चलिए मैं खा लूँ, आप आ रहे हैं क्या, सब लोग दोस्त मेरे आ जाओ, महफिल जमाते हैं, भेलपूरी और आप जो बनाएं वो सब आप ही अपना। चलिए, नहीं बना पाएंगे तो मैं खिला दूँगी, ऐसे घबराने की बात नहीं होती है। मिलते हैं मैं आप लोग, सुबह ही मिल पाएंगे। कान में चला गया मुरमुरा, कैसे हैं आप सब लोग। ये मेरा द्वितीय दिवस है ब्लॉग का आज, यानी कि सेकंड डे ऑफ माय ब्लॉग। कल बनाया था, आज नहीं बनाया, काम नहीं था ऐसा कुछ खास, आज मेरा वीकली ऑफ था जिम का, तो जिम भी नहीं गई, बाकी कुछ और काम थे, एक छोटी सी मीटिंग थी, बहुत छोटी सी अभी, क्योंकि कुछ आइडिया जर्मिनेट हो रहा है तो वो धीरे धीरे होगा, तो उस सिलसिले में मैं फिर मैंने ब्लॉग को ज़रा एक साइड में रख दिया,
तो अभी मैं बना रही हूँ, लेकिन ब्लॉग भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी मैं डिनर करने जा रही हूँ, तो मैंने आज ये बनाई है अरबी की सब्जी। और आज मैंने बहुत दिन बाद अपने हिसाब से अपनी अरबी की सब्जी बनाई है, सूखी सब्जी अरबी विद प्याज। और वो मेरी हेल्प ने मुझे धो के, मतलब काट के सब्जी को, अरबी को, और धो के दे दिया था। और फिर मैंने इसको बनाया, प्याज भी काट दिए थे उसने, बाकी चीज़ मैंने अपने हिसाब से की। मैं ज़रा इसको टेस्ट करती हूँ, मैंने देखा नहीं था उस वक्त, मैं चाय पी रही थी। वो जो आइडिया है, वो जब आगे बढ़ेगा, कुछ हो, कुछ शेप लेगा, कुछ सॉलिड शेप लेगा, तो मैं आप सबसे साझा करूँगी, शेयर करूँगी आपसे। अभी तो देखते हैं कहाँ जाता है, मैं ज़रा टेस्ट कर लूँ अभी। इस काइंड ऑफ टोफू टेक्सचर दबी आई कुक इट। बस मुझे टोफू नहीं अच्छा लगता ना, टोफू मैं खाती हूँ थायराइड की वजह से, वन से नहीं भाई। मेरे थोड़ा सा नमक कम है, मेरी चीज़ ओके, मसाला ही ओके, हल्का मसाला गर्मी में, बट नमक इंसुलेटेड बिट। आज मैं लस्सी में ये नमक डाल देते थे, ये तो मैंने आपको बताई थी, सब लोग अपने अपने हिसाब से पीते हैं, मैं कौन से इसमें झंडे गाड़ रही हूँ। ये पुदीना है, फिर भी मैं बताऊँगी ज़रूर, ये सूखा पुदीना, फ्रेश पुदीने को सुखा के, ये पुदीना और ये भुना पिसा जीरा पाउडर। टेस्ट लेते हैं इसको, दही अच्छी है, हल्की सी खटास वाली दही है, इसकी कड़ी भी बन जाएगी, मतलब गंदी वाली खटास नहीं है दही की, ये गंदी होती है, अच्छी वाली खटास है, घर की दही है। खांग आ गई मैनू, तैनू असर रख देने इतने जाते ते। थोड़ी सी ज्यादा है, एक गिलास चलेगा। अच्छा, तो डिनर करने का टाइम आ गया है, डिनर करने की बेला आ गई। मिलती हूँ आपसे अब, इसके बाद देखती हूँ मिल पाती हूँ कि नहीं रात को सोने से पहले। फिलहाल तो खाना खावत चाहिए, बहुत ज़्यादा भूख नहीं, शायद एक फुलका ही खाऊंगी, सब्जी भी थोड़ी सी। और वॉट लस्सी तो पीऊँगी, अच्छा आज गिलास भर के। हेलो, खुश आमदीद मेरे चैनल में, दिस इज़ द थर्ड डे ऑफ माय ब्लॉग। और मैं पीने जा रही हूँ मिल्क पानी इस मॉर्निंग, एंड देन आई विल हैव ब्रेकफास्ट, दीज आर सैंडविचेस, वेज सैंडविचेस। खीरे ख़राब हो रहे थे तो मैंने सोचा चलो आज भी सैंडविच खाते हैं, पहले मैं नींबू पानी की तैयारी कर रही हूँ। ये देखिए प्याज जाएंगे सैंडविच में, दिख रहे हैं आपको, ये प्याज है, थोड़ा हल्का सा बटर डाल के उसमें ये प्याज के कतले, ये सैंडविच में जाएंगे। थोड़ा सा ये पानी, नॉर्मल वाटर, थोड़ा सा ठंडा, चीनी नहीं है। संध्या कह रही है शिकंजी स्टाइल में, तो मैं कह रही हूँ इसमें नहीं, चीनी नहीं है, चीनी तो मैं बहुत रेयरली पीती हूँ। खैर मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, आप बोर हो जाएंगे, ये बात पक जाएंगे सुन सुन के, पक गए भी होंगे तो। और ये अपना नींबू पानी, नींबू पानी का घोल, ऑब्वियसली रिफ्रेशिंग होता है। जिम का मैं कोशिश करूंगी आपको बताऊं, जो थोड़ा बहुत मुझे पता है, जिम अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है तो किस बात, किन किन बातों का ध्यान रखें, कुछ इम्पोर्टेंट होती हैं।
और अगर आपने पहले से ज्वाइन किया हुआ है, मैंने तो अभी कुछ टाइम पहले किया है, तो आप मुझे बताइए, शेयर कीजिए कमेंट्स में कि आप क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से आप पता है जिम में हादसे बहुत हो रहे हैं जिम करते वक्त, तो उसमें ये मैंने सौते कर लिया क्योंकि वो कच्चा प्याज इसमें मुझे नहीं अच्छा लगता, वो भी सुबह ना ब्रेकफास्ट में ना। ये बन गया है, अब इसको इसी पे ही सेक दो ना तवे पे, ख़त्म करो काम। अच्छा बनता है, मैंने इसको गर्म भी कर दिया। अच्छा देख लेना, चीज़ ना मेल्ट होके बाहर आए वो ख़राब हो जाती है फिर वो इलेक्ट्रिक चीज़ें। मेरा ब्रेकफास्ट आ गया, सैंडविच पे दो एक अलग रख दो अभी प्लेट में, एक ही खा पाऊंगी। और ये मेरी चाय, ये मेरी स्मार्ट वॉच थोड़ी सेट हो गई है 50%, अब आप समझते रहिए 50% सेट होना क्या होता है, तो बाकी मैं करूंगी, कर खुद ही कर रही हूँ। तो पैट ऑन माय बैक, देखिए इसमें क्या है, आपको ऊपर से पता लग रहा है जो बना हुआ है, चलिए खोलो। ये बहुत दिन से सेल का इंतज़ार कर रही थी, सेल आए तो फिर टाइम का इंतज़ार कर रही थी, घड़ी जो है वो बेचारी टाइम का इंतज़ार कर रही थी। व्हाट एन आयरनी, रखो इधर, लाओ मैं बताऊँ, इधर करो घड़ी, ये इधर से लगता है, ऐसे देखो ऐसे लगता है, ये पहले मैं ही देख लूँ कैसे लगता है, इसमें स्प्रिंग तो है नहीं, तो देखो लग गया सेल, देखते हैं चल रही है कि नहीं, अभी चल नहीं रही है, क्या टाइम होगा, टाइम तो इसमें ठीक है, वो उल्टा डला है, उल्टा है हाँ। तो तुमने भी, तुम तो कह रही थी मेरा मुंह ऐसे देख रही थी जैसे तुम्हें पता ही ना, ऐसा तुम्हारे भाव था चेहरे पे, उल्टा है, चल गई, बधाई हो हम सबको। घड़ी इंस्टॉलेशन, ये बेचारी कितने दिन से इंतजार कर रही थी, सूख रही थी, देखो पीछे से ठीक लगी है, गिरने वाली तो नहीं है, अब मैं बताती हूँ कि ये सीधी लगी है कि नहीं, है तो सीधी, हाँ सही लग रही है, आप बताइए दोस्तों, और बताइए किसका शेप है, दिस इज अ वेजिटेबल, गैस फिट एंड लेट मी नो इन कमेंट्स, कमेंट्स में बताइए आपको ये क्या लग रहा है, वैसे बहुत ही जाहिर है, कुछ पैसा नहीं है कुछ। चलिए ये मेरा पूरा सेटअप है, एक घड़ी चाहिए होती थी कुछ बॉईल करना है या कुछ बनाना है या वट एवर बेक करना है जी। तो जी मैंने ये कलर लगा लिया है, देखिए रूट टच अप है थोड़ा सा, ग्रे कवरेज और ये सब कुछ, जी हाँ कलर तो मैं लगाती हूँ। आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि अभी तो पार्लर होके आई थी और कलर मैं पार्लर से नहीं लगवाती, बहुत पैसे ठुक जाते हैं, करना वही सब रहता है, तो अपना कलर लिया और लगा लिया, फटाफट हो जाता है, तो आज मैंने लगा लिया है। बहरहाल क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मुझे कुछ ऐसा कुछ आज करना है जो आपको दिखेगा कल या परसों, आज या कल में, सॉरी आज या कल में दिखेगा, तो मैं सोचा कि कलर लगा लूँ तो थोड़ा कुछ उसमें रौनक ऐड हो जाएगी। एनीवे खैर मेरे मेहंदी वाले कपड़े हैं, एक दो वो सेट, ये बॉल वॉश कर लिया मैंने और मैं जा रही जिम की ओर, गुड आफ्टर आफ्टरनून, क्योंकि आफ्टरनून से भी थोड़ा आफ्टरनून हो चुका है, तो अभी मैं आऊँगी लौट के फिर आपसे मिलूँगी, और अभी आपको फुल लुक दिखाते हैं जिम का। तो जी ये है मेरा जिम का फुल लुक, पता है कैसे लग रहे हैं, बाल देखी घास फूस की तरह सुखाए नहीं है, बस अब जल्दी बांध के जा रही हूँ, लेट हो जाऊंगी फिर वापसी में भी आना है। और ये मैं रख रही हूँ अपना बॉटल, वाटर बॉटल जो कि गर्मियों में बहुत ज़रूरी है, ये मैंने किया उसको बंद एक बैग को, और ये देखिए दोस्तों आई एम रेडी टू लीव फॉर जिम ना,
लो चली मैं, लो चली मैं अपनी जिम्मे खुराफत करने। तो जी दोस्तों, आप जिम से वापस आ गए हैं। पहले तो क्या करते हैं, बात करते करते याद आ रहा है, ये खोल देते हैं। गीले हैं बाल अंदर से, गीले बाल से मुझे थोड़ा सा रिस्क रहता है, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है जूएं पड़ जाती हैं। ऐसा होता नहीं होगा वैसे, अगर आपका बाल साफ हैं तो जूएं क्या पड़ेंगी, जूएं किसी न किसी और से पड़ती हैं। अब तो एक अरसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ गीले होने से वो जो रूट्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, तो ख़राब हो जाते हैं। और वैसे भी सुखाने भी हैं, गीले नहीं रखे जा सकते। और तो जिम से वापस पानी पी लेती हूँ। इस बीच में साथ साथ पानी के साथ ये भी दिखा दूँ, मैंने जाते समय जिम जाते वक्त ही ये दो पूड़ी, ये दो प्लेट, दो पत्तल प्रसाद बटोर लिया था मंगल का, बड़े मंगल का। खाऊंगी क्यों नहीं खाऊंगी, सारा नहीं खाऊंगी, लेकिन एक प्लेट तो खाऊंगी। कोई कुछ भी कहे, कहता रहे, एक किसी और के लिए। और ये लाई हूँ जी मैं सब्जी, जो मैं कुछ बनाने वाली हूँ आज रेसिपी। वो रेसिपी पहले आएगी, ये ब्लॉग बाद में आएगा। देखिएगा हेल्दी और न्यूट्रिशियस और स्वादिष्ट रेसिपी, उसके लिए मुझे थोड़ा सा काम करना है। 5 मिनट का रेस्ट लेके थोड़ी सी उसके प्रेप करना है, तो पानी पी लूँ, 5 मिनट बैठ लूँ, उसके बाद तैयारी करूँगी। और एंड दिस ब्लॉग विल कम ईदर नहीं, इट विल कम टुमारो मोस्ट प्रोबेबली, और कैन कम टू नाइट ऑल्सो, कांट से। चलिए विदा लेते हैं आपसे दोस्तों अगले ब्लॉग तक के लिए। इस बीच आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कराइए, और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट कीजिए इस पर। नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा बिफोर आई लीव, आई एम लीविंग यू विद वन कोट, कोट काइंड ऑफ कोट। तो मुझे ये पढ़ने को मिला था और आई एम 100% एग्री विद इट। तो मैं आई कुडंट फाइंड द नेम हु सेड इट, ही और शी सेड, आई बिलीव हाउस चोर्स शुड बी टॉट एज अ साइन ऑफ इंडिपेंडेंसी नॉट फेमिनिटी। See you guys.